ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। दिल्ली में चल रही सीलिंग का मुद्दा हो या फिर हो CBSE पेपर लीक मामला, और दिल्ली में बिजली की भारी भरकम बिल के अलावा दिल्लीवासियों को मिल रहा गंदा पानी, जिससे दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं। आम जनता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर A1 न्यूज के संवाददाता ने कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू से खास बातचीत की। देखिए सवालों के अंबार पर गुरुचरण सिंह राजू के जवाब। सर, आज जो दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग सीलिंग की समस्या से पिछले 3 महीने से जूझ रहा है, इसका FDI से भी कंसर्न माना जा रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज व्यापारी इतना जबरदस्त त्रस्त हो चुका है। आज व्यापारी पे जो तलवार लटकी हुई है, व्यापारी की जो दुकानें बंद कर दी गई हैं, आज व्यापारी इतना हताश हो गया है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। व्यापार है नहीं यहाँ पर, व्यापार का जीरो हुआ चुका मामला। जो छोटा मोटा व्यापार था, पहले नोटबंदी ने मार दिया, फिर GST ने मार दिया, अब सीलिंग ने मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार जो है ये हमसे क्या चाहती है, व्यापारियों से, व्यापारियों को कहाँ ले जाना चाहती है। इनके भी बच्चे हैं, इनके यहाँ के लोग काम करने वाले लोग हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। आज इतनी दुकानें सील कर दी हैं, इतने परिसर सील कर दिए गए हैं, वो कहाँ पर जाकर उसका भुगतान करेंगे ये लोग, कहाँ पर होगा मामला? 2006 में जब सीलिंग का मुद्दा उठा था, तब अजय माकन जी अध्यादेश लाकर उन्होंने इसको सीलिंग को रुकवाया था। अजय माकन जी हर मीटिंग के अंदर हर जगह पर ये कह रहे हैं कि ये अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं है, उसी अध्यादेश में मामला है, ये कोर्ट में जाकर दें उसको, लेकिन कोर्ट में देना चाहते हैं क्योंकि ये FDI से मामला जुड़ा हुआ है। ये सब दुकानदारों को मारना चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं, ये हट जाएं, ये मर जाएं, और जो FDI वाले लोग हैं वो भारत में आकर काम करें, और जिस तरह से पहले देश हमारा गुलाम था, उस तरह से देश को गुलाम करने के कगार पर ले जाना चाहते हैं। आज देश के चौकीदार होते हुए डाटा लीक हो रहा है, आज CBSE के पेपर लीक हो रहे हैं, आधार का डाटा लीक हो रहा है, फेसबुक का डाटा लीक हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सब चीज़ लीक हो रही है। आज पेपर लीक हो गया, आज 16 लाख बच्चों, 28 लाख बच्चों पर जो है वो तलवार लटकी हुई है दोबारा पेपर देने की। पहले बच्चों ने मेहनत कर अपना एग्ज़ाम के लिए 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने ट्यूशन लेकर काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, 500-500 रुपये घंटे की ट्यूशन है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो जिनके माँ बाप पढ़ाते हैं उनको मालूम है, अपनी जेब काट कर, अपना तन मन काट कर किस तरह से बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाते हैं। आज बच्चों पर फिर दोबारा तलवार लटक गई है। अब जो क्वेश्चन बच्चों ने पहले तैयार किए थे, अब वो क्वेश्चन जो कर आए हैं, अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, या उन बच्चों को समझ आएगी या नहीं आएगी, तो किस तरह तैयारी करेंगे बच्चे? कहाँ ले आना चाहते हैं हमारे देश को? हम चौकीदार सब आए थे जब हमारे, कि मैं किसी पंजा नहीं पढ़ने दूंगा, यहाँ से लोग भाग जाते हैं पैसा ले लेकर, उसमें पंजा, FDI, अपना पेपर लीक, आधार कार्ड लीक, सब चीज़ लीक, तो प्रधानमंत्री वीक, सब चीज़ लीक हो रही है, तो फिर वीक कौन है? वीक सरकार वीक है। इस सरकार वीक को हमें समझना पड़ेगा, दोस्तों को, व्यापारियों को, सबको, कि इस सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमारे किसी काम की नहीं है, इसने देश का बंटा धार कर दिया है, ये देश के किसी काम में नहीं है। सिर्फ ये सरकार जो 10-20 पूंजीपति हैं उनकी सरकार है, ये देश के हित की सरकार नहीं है। मैं चाहता हूं देश की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए हमको। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम करने की बात की है, और दूसरी तरफ फिक्स चार्जेस को बढ़ाया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी एक ढकोसला है। केजरीवाल जी ने हमेशा देश को, दिल्ली को नाश करने काम किया। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने 15 साल के अंदर जो दिल्ली को बनाने का काम किया, दिल्ली को बसाने का काम किया, दिल्ली की जो सड़कें बनाई, दिल्ली के जो फ्लाईओवर बनाए, दिल्ली के अंदर जो इतना काम किया है, आज दिल्ली की जनता खुद त्राही त्राही कर रही है। पानी की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है, जो बिजली की बात कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
जिन लोगों को बिल पहले 500 रुपये 400 रुपये आता था, उन्होंने उसको फिक्स कर दिया है, उतना बिल तो आएगा ही आएगा, उसके बाद जो आप यूज़ करेंगे उस पर हो रहा है। ये कह रहे हैं 50% डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट नहीं किया, उन्होंने इसको मारा, इसको गुमराह करने काम कर रहे हैं ये लोग, सब लोग गुमराह करने काम कर रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सब लोगों ने हमको गुमराह किया है। लोग भटक गए थे, लोग अपनी जगह वापस आना चाहते हैं, लोग कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं, कांग्रेस को दिखना चाहते हैं और कांग्रेस को वोट देकर आगे लेकर आएंगे, तभी इस देश की भलाई होगी, इस दिल्ली की भलाई होगी। पानी की समस्या के ऊपर दिल्ली सरकार कह रही है कि हरियाणा उसके लिए दोषी है, पानी पीछे से नहीं आ रहा। अब केजरीवाल जी ने अपने ऊपर तो कभी दोष माना नहीं। केजरीवाल जी ने तो हमेशा प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं, राजीव गांधी गलत कर रहे हैं, दूसरी आदमी गलत कर रहा है, राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, बस केजरीवाल जी ठीक हैं और अब सीएम वहाँ का पानी नहीं दे रहा। अबे भैया, जब हम थे यहाँ पर तुम कह रहे हो पानी फ्री देंगे, तुम पानी फ्री कहाँ से दे दोगे? लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आज लोगों घरों में पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है, आप कह रहे हो मैं लोग सुबह कुल्ला नहीं कर पा रहे, मेरे पास इतने लोगों को फ़ोन आते हैं कि पानी नहीं आ रहा, भैया इसको ठीक करा दीजिए। अब हम कहाँ से बात करते रहे, कौन सुन रहा है? सुनने को कोई तैयार नहीं है। पानी इतना गंदा आ रहा है, लोग कुल्ला नहीं कर सकते, सुबह ब्रश नहीं कर सकते अपने घर में खड़े होकर, पानी खरीद खरीद कर लोग पानी कर अपने अपने घरों में काम चला रहे हैं। किस तरह से लोग नहा नहा के अपने घर में जा रहे हैं, बदबू उनके शरीर से बदबू आ रही है, कह रहे हैं नहाना से बड़ी नहाई ना तो बढ़िया मामला है। क्या दिल्ली को इस तरह चौपट कर दिया है दोनों ने मिलकर, बुरा हाल दिल्ली के अंदर हो चुका है और दिल्ली का नाश कर दिया लोगों ने। कोई सड़कें देख लो, सड़कों की बुरी हालत है, सड़कें रिपेयर नहीं हो रही हैं। आज कहीं भी देख लीजिए आप, कोई सड़कें रिपेयर हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, कोई नया फ्लाई ओवर बना हो, कोई काम हो, कुछ नहीं। जो शीला दीक्षित जी 15 साल के अंदर करके गई थी, वही कार्य आज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो कार्य है उसकी मेंटेनेंस तक नहीं हो रही है। सर, अंत में बैसाखी का त्यौहार आ रहा है, दिल्ली की जनता को आप बैसाखी की शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी दिल्ली की जनता को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार हम सब के लिए बहुत मंगल में हो, शुभ हो। भगवान से, वाहेगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत मंगल में हो और जो हमारे नेता हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान।